तो ये सब जो है नज़र और नज़रिया, इसका कारक ज्योतिष में शनि है, आँखों का कारक है शुक्र। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों को क्यों लग जाती है नज़र? नज़र का कारक शनि है, देखो बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को भी कईयों को लग जाती है, घर को लग जाती है नज़र, व्हीकल को लग जाती है, व्हीकल के पीछे लिखा होता है, मैंने बताया था अभी आपको, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। बिजनेस को नज़र लग जाती है, दुधारू पशुओं को नज़र लग जाती है, हमने तो घर में गाय भैंस पाल रखे हैं तो मुझे पता है उनकी भी नज़र कई बार उतारनी पड़ती थी। तो बच्चों को नज़र क्यों लगती है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है इसका, और फिर हम इसके उपाय भी बताएंगे आपको। बच्चों का मन बहुत कमज़ोर होता है, बच्चों का अभी ब्रेन डिवेलप नहीं हुआ, इसलिए जुवेनाइल कोर्ट अलग होती हैं, उनके शरीर में पानी ज़्यादा है। बच्चा चंद्रमा से गवर्न्ड है, तो 12 साल तक कहते हैं ना कि चंद्रमा स्ट्रांग होगा उसी के बेस पे बच्चा जिएगा। बाल अरिष्ट योग देखते हैं 12 साल तक, चंद्रमा भी अपने आप में एक लग्न है, बचपन में वही ज़्यादा मैटर करता है। तो चंद्रमा जो है बच्चा है, बाकी सब ग्रहों के हिसाब से देखोगे ना चंद्रमा बच्चा है, शनि बुजुर्ग है, नज़र का कारक शनि है ना। तो हम कहते हैं ना कई बार ये आदमी शनिश्चर है, मतलब वो जहाँ नज़र डाल देगा वहीं पे तबाही मचा देगा। चंद्रमा की राशि चौथी है कालपुरुष की कुंडली में, उसके अपोजिट कौन सी है? दसवीं राशि। और जो शनि की अगर 11वीं राशि ले तो 4 और 11 में षडाष्टक योग बनता है। तो चौथी राशि जल की राशि है, 10वीं राशि है पृथ्वी तत्व की राशि, जल बहुत चंचल है, पृथ्वी बहुत स्थिर है, चौथी राशि मोक्ष की राशि है, और 10वीं राशि क्या है? अर्थ राशि, मतलब धन दौलत, दोनों में कोई बात ही नहीं बनती। चंद्रमा बहुत तेज चलने वाला ग्रह है, 2.25 दिन में पूरी राशि पार, और शनि को 2.5 साल लग जाते हैं एक राशि पार करने में। ऐसे समझो चंद्रमा है दौड़ता हुआ घोड़ा, और शनि है उसके रास्ते में एकदम से पत्थर डाल दिए या डंडा लगा दिया, रुकावट। 7.5 में यही तो सारी टेक्निक है, शनि सबसे धीमा चलने वाला और चंद्रमा तेज दौड़ने वाला। बिल्कुल ऐसे है, एक दादा और उसका एक छोटा सा पोता, वो उछल कूद मचा रहा है और दादा परेशान है, उसको संभाल ही नहीं पा रहा, उसके हिसाब से चल ही नहीं सकता। तो बच्चों को इस वजह से नज़र लग जाती है। हमारे यहाँ तो बाल कृष्ण तक, भगवान कृष्ण जब बच्चे थे वो नहीं बच पाए नज़र से। भक्त कवि सूरदास ने एक जगह लिखा है, काहू जोगी की नज़र लागी है मेरे कुंवर कन्हैया रोवे। यशोदा कहती हैं, काहू जोगी की नज़र लागी है मेरे कुंवर कन्हैया रोवे। फिर आगे कहा है, राई लवण उतारे यशोदा सूर प्रभु को सुहावे। तो कहते किसी जोगी की नज़र लग गई है, यशोदा मैया कह रही हैं मेरा कुंवर कन्हैया रो रहा है। तो फिर आगे बता भी दिया, राई नमक से उनकी नज़र उतारती है, बाल कृष्ण की नज़र उतारती है मैया, और इस तरह उनको सुलाती है। तो किस तरह से ये नज़र लगती है बच्चे का, कैसे देखेंगे ज्योतिष में किसको नज़र लग सकती है इजीली? जब चंद्रमा 6, 8, 12 में हो जातक की कुंडली में, जब चंद्रमा 6, 8, 12 में हो तो बाल अरिष्ट योग का एक योग बन गया, कमज़ोर हो जाता है चंद्रमा। फिर चंद्रमा केंद्रम योग में हो, मतलब ना तो उसके साथ कोई ग्रह है ना 2, 12 में कोई ग्रह है, और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। बाल अवस्था या मृत अवस्था में हो तब भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। अमावस्या के आसपास का हो तब भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बली हो जाता है, लेकिन दशम में वही कमज़ोर हो जाता है, दिग्बलहीन। तो वहाँ पर हो दशम में, एकादश में, नवम में, और शनि राहु केतु से पीड़ित हो, इसके साथ अशुभ बैठे हो या अशुभ इसको देख रहे हो, तो ये सब बातें चंद्रमा को कमज़ोर बनाती हैं। तो इसके लिए एक तो मैंने नज़र ना लगे या नज़र लग गई या उतारने का तरीका, एक तो यशोदा मैया ही ने बता दिया कि राई नमक का प्रयोग करो। तो क्या करते हैं, बच्चे के सिर पे इस तरह 7 बार वार के, और इसको बाहर या तो नाली में डाल देते हैं या जला देते हैं, इस तरह से होता है। मतलब क्या, आपका ऑरा, ये ऑरा है हमारा, हर एक का ऑरा होता है, उस पे किसी का इल इफेक्ट आ गया है, बुरी नज़र आ गई है, टकटकी लगा के बहुत घूरा है, तो वो उसकी जो इल इंटेंशंस हैं वो आ गई हैं, वो इतने अंदर शरीर के प्रवेश करें, बाहर ऑरा में हैं वो अभी, तो ऑरा को भंग करना है, उसकी नेगेटिविटी ख़त्म करनी है। तो इसलिए वार फेर करके और उसको बाहर इस तरह गंदी नाली में डाल सकते हैं, उसको जला भी सकते हैं, या फिर मिर्च का प्रयोग किया जाता है, मिर्च ले लो, 7 मिर्ची ले लेते हैं, और इसको इस तरह से सिर पे से इस तरह वार के
और बाहर जला दो। घर में जलाएंगे तो छींक आएगी, खांसी आएगी, आंखें जलने लगेंगी। घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए, बाहर। या हमारी माँ वो किया करती थी एक के फिटकरी लेके, फिटकरी लो छोटा सा टुकड़ा, उसको यहाँ से बच्चा जिसको नज़र लगी है वार फेर के उसको आग में डाल देते थे, तो आग में वो फूल जाती है, प्रकृति बदल गई उसकी, फूल जाती है तो उसकी शेप बन जाती है। तो उसे आइडिया लगाया जाता था कि किसकी हो सकती है, और फिर उसको घर के बाहर या दहलीज पे डाल के उसको जूती से रगड़ देते थे, पैरों से रगड़ देते थे ऐसे, कि आपने उसको मसल दिया, सिंबॉलिकली उसको मसल दिया। सिंबॉलिक करते हैं ना भाई, देखो पंचकों में अगर किसी की डेथ हो जाए तो सिंबॉलिक पुतले बनाते हैं पाँच और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कोई रियल में थोड़ा है आज की डेट में, तो हम क्या करते हैं सिंबॉलिक उनके पुतले बनाए, जला दिए। तो ये क्या है, अशुभ पर शुभ की विजय हो गई। इसी तरह किसी नेता, किसी पार्टी की भद पीटनी है तो क्या करते हैं, उसका पुतला बनाया, उसको लोग लाठी मार रहे हैं, उसको जला रहे हैं। ये सिंबॉलिक है सारा। तो ये है आपके मन के गहरे भाव, आपके मन के गहरे भाव ये है, उस व्यक्ति जिसकी बुरी नज़र लगी है वो इस तरह से नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये मतलब है। तो ये सब चीज़ें यूज़ क्यों करते हैं, राई नमक क्यों यूज़ करते हैं, पता ना आपको? क्या राई और नमक किसी भी अचार में लगभग डलते ही डलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको गला देते हैं, उसकी प्रकृति बदल देते हैं। फिटकरी को तो आग में डालोगे वैसे वो चेंज हो गई। और इसी तरह मिर्च और नींबू का तो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी तीखा और फिर नींबू खट्टा, ये टेस्टी ऐसे हैं, ये कोई भी चाहता नहीं है। तो इनके द्वारा हम अपने गहरे भाव इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकट कर देते हैं कि हम ये अशुभ प्रभाव नहीं चाहते, ये मतलब है। धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।